नमस्कार दोस्तों, रचना की रसोई से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट चुंदा। केरी का जो कच्ची केरी होती है उससे बनने वाला होता है, इसे बोलते हैं चुंदा। आप इसे चटनी भी बोल सकते हैं। उसके लिए एकदम सिंपल सामग्री चाहिए और उसको बनाना भी बिल्कुल 5 मिनट का काम है। मैं बताती हूँ आपको उसको कैसे बनाना है। ये मैंने लिया है कच्ची केरी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके मैंने उसका पानी निकाल लिया जिससे उसका खट्टापन पूरा निकल जाए। और इसके साथ मैंने एक छोटा प्याज लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब मैं ये जो कच्ची करी मैंने जो ग्रेट करी थी उसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके साथ जो मैंने अनियन जो ग्रेट किया था वो भी मैं निकाल लेती हूँ। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये इंस्टेंट है और आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं तो ये 4 से 5 दिन आराम से चलता है और अनियन से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और गर्मी में वैसे भी बोला जाता है प्याज और कच्ची करी खाना चाहिए, तो इसलिए मैं दोनों इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा कम ही डाला है अनियन। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ व्हाइट सॉल्ट 1 टीस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। वन एंड हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, वन एंड हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, और 1/4 चम्मच में डाला है जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। अब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे मसाले मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें सारे मसाले मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको चिली ज्यादा चाहिए तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ जेगरी। जी हाँ, ये गुड़ है। अब मैंने इसको अच्छे से क्रश कर लिया था गुड़ को। ये आपको कैरी के अकॉर्डिंग लेना है। अगर कैरी आपकी देशी कैरी अगर आप लेते हैं तो थोड़ी उसमें खटास ज्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो आप इसमें शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। इस तरीके से आप गुड़ इसमें मिक्स कर दीजिए। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए, तब तक गुड़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मैंने एक केरी के साथ एक कटोरी, छोटी कटोरी मैंने गुड़ लिया है। फिर इसको आप टेस्ट करके इसमें गुड़ या शक्कर और ऐड कर सकते हैं। बस आप इसको मेल्ट होने के लिए अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। हाफ एन आवर में ये मेल्ट हो जाएगा और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।